हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं नवनीता आप सभी को फिर से मेरे नई ब्लॉग पे स्वागत करती हूँ। तो सुबह सुबह आ गई मैं अपनी फूलों को देखने के लिए, और मैं इस फूलों पे अभी डालूंगी मैं पानी, क्योंकि ये पूरे सूख गया था। तो बारिश तो नहीं दे रहा था, तो बाद में बारिश दिया हुआ है, तो इसलिए मैं सुबह सुबह पानी देकर, देखो फूल इतना ज़्यादा एडेनियम यहाँ पर खिला है और इतना सुंदर लग रहा है ना। ये एडेनियम मेरे पास दो कलर की है, और ये जो कैक्टस है पता नहीं ये लाल कलर का ये क्या निकला है, मगर एक्चुअली इसका फूल का कलर है येलो कलर का फूल देता है। तो गाइस, हमने ये नया स्कूटी लिया है और ये अभी तक प्लास्टिक इसका हटाया नहीं है, तो मैंने कहा कि थोड़ा रुको ना, ये हटा दिया देखो। तो अभी मैं इसको सीखने जा रही हूँ थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ फील्ड पे। तो हमने लिया ये जुपिटर, देखिए पूरा गंदा हो गया लाते समय ही, तो अभी हम लोग जाएंगे फील्ड पे। चलो ऊपर तक उठा लो। तो मैंने 2019 को स्कूटी सीखी थी, तो उसके बाद एक साल ना दो साल चलाने के बाद मैंने पूरा गैप ही कर दिया, तो हाथ पूरा अभी चलेगा कि नहीं पता नहीं। तो मैं जाकर प्रैक्टिस करूँगी और बेबी को छोड़ के जा रही हूँ यहाँ दादी के साथ। बाय बाय नाना, बाय बाय डोंट डाला डो। और अभी बोगनविलिया का सीजन है और ये हमारी घर पे ही, देखिए ये फूल यहाँ तक आ गया पूरा, और ये पूरा भर के है और इतना सुंदर है ना, क्या बताऊँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये। हम लोग तो जैसे कागज़ फूल ना क्या कहते हैं, कागज़ के फूल। आओ आ जाओ। तो हम लोग अभी जाएंगे यहाँ फील्ड पे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। वैसे हमें 5 बजे को जाने का टारगेट था, मगर तब बेबी उठ के क्या क्या वो ना, आज सुबह सुबह बेबी ने पोटी कर दिया था, तो उसको साफ सफाई करने में हमें लेट हो गई, तभी हम लोग चलते हैं। तो चलिए, ये मेरी स्कूल की रास्ता स्कूल जाने वाली है। ये डर रहे हैं, बोला मुझे आता है कि नहीं। तो ये है जो जिस स्कूल पे मैं काम करती थी, तो ये मैं फिर से अभी ज्वाइन करूँगी। तो ये रही हमारी स्कूल और हम अभी सीखेंगे इस फील्ड पे, ये वाली फील्ड पे थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। चल फिर सेंटर, तो चलो हम पहुँच गए, हम पहुँच गए यहाँ पे हमारी लोकेशन पे। तभी हम लोग सीखेंगे यहाँ पे थोड़ा। अरे गुड मॉर्निंग बोलो ना, बोला ही नहीं। हाँ अभी इतना देर के बाद गुड मॉर्निंग। ये इतना हाइट है, ज़्यादा तो नहीं है, और वैसे मेरा ही हाइट नहीं तो मैं क्या बताऊँ। पहले जो मैं चलाती थी वो थी यामाहा का, ब्लैक कलर की थी, जो भी मेरी पुराने वाले सब्सक्राइबर उन लोगों को पता होगा, मेरी जो स्कूटी थी यामाहा ब्लैक कलर का। तभी ये जुपिटर, ये थोड़ा हाइट कम है उससे ज़्यादा, बहुत स्टैंड उठाओ। नहीं हो पा रही है भगवान जी। जी माता दी, धीरे धीरे। कि नहीं, तो जो भी हो मुझे आती है तो मैं बहुत खुश हूँ, भूली नहीं हूँ। तभी मेरे पीछे उठ के जाना तुम, ठीक है? पहले तुम चलाओ। नहीं नहीं, ट्रस्ट मी, मुझे विश्वास कर सकते हो तुम, डोंट वरी, मैं तुमको गिराऊंगा। पहले चलाओ, ठीक है? फिर और फिर चलते हैं, ठीक है? तो आप लोगों से हम बाद में मिलते हैं, ओके?
बताओ मुझे आती है कि नहीं? बोलो हाँ आती है ना। तो गाइस मैंने सीख लिया, आधा घंटा पूरा मैंने चलाया यहाँ पे, और अभी हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं घर, बेबी को छोड़ के आया। तो चले घर जाके मिलते हैं, चलो। हम अभी यहाँ तेल बढ़ाएंगे, तेल खत्म हो गया था, कितना 2 लीटर। तो यहाँ पे तो कुछ पेट्रोल पंप ऐसा तो नहीं है, हाँ ऐसे डाल दो। तो ये दुकान पे लिया है, खागला खागरी उल बनाऊंगा चुरिया छुटाने, सीखते सीखते तेल खत्म कर दिया। तो कितने रुपीस का ये तेल अभी मालूम नहीं। हाँ यहाँ पे तो पेट्रोल पंप तो नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे ही सेल होता है। स्कूटी को तो खाना खिलाना पड़ेगा ना, चलाने से तो नहीं होगा। लाइलांग सोला तो गाइस हम घर पहुंचने के बाद अभी मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ, लाल चाय। तभी हम लोग चाय पियेंगे, थक चुके हैं, लाल चाय पी लेते हैं। अभी चाय पी रहा है कितना घंटा लगा हम लोग को? आधा घंटा ही लगा ना सिर्फ? आधा घंटा नहीं, एक घंटा जैसे लगा। नहीं, एक घंटा नहीं लगा, आधा घंटा से थोड़ा ज्यादा लगा। नहीं, मुझे ख्याल किया ही नहीं। तुमको क्या लगा मुझे आता है कि नहीं? आता है ना। तो देखो मतलब कि मुझे भी लगा कि मैं और मतलब प्रैक्टिस करने से और भी स्मूथ हो जाएगा। हाँ थोड़ा वो थोड़ा स्मूथ नहीं है स्टार्टिंग में, भ्रूम। चाय पी रहे हम लोग, बेबी तो सो गया, उसका ना डैडी ने सुला दिया। तो गाइस मैं अभी यहाँ पे बना रही हूँ ये कच्चू की सब्जी, जिसे हम लोग कहते हैं ठगोंसा, और उसके बाद यहाँ पे आलू फ्राई, उसके बाद मैं बनाऊँगी अंडा बॉल। तो आज बस इतना सही आइटम्स बनाऊँगी और कुछ नहीं बनाऊँगी मैं। तो गाइस यहाँ देखिए टमाटर ऐसे, तो मैं अभी यहाँ से टमाटर तोड़ूँगी, घर का टमाटर मिट्टी लग के है ना, लाल लाल टमाटर। तो देखिए हमें इतना ज़्यादा मिला है, ये घर का टमाटर है, मैंने इतना तोड़ा, कितना 3, 6, 7, 8, 9। तो गाइस मैं अभी खाना खा लेती हूँ जल्दी जल्दी से, और आज है देखिए ये सब्जी और अंडा बॉयल, उसके बाद ये रात की भी सब्जी थी, मैंने इसे भी लिया है। तो बहुत ज़्यादा आइटम्स ही बन गई है, उसके बाद यहाँ पर मैंने रात को बीन्स फ्राई भी है। तो गाइस अभी यहाँ पर हस्बैंड धो रहा है स्कूटी, सुबह की खाना उना खाकर हम सब ने बहुत देरी तक रेस्ट किया, और अभी 12 बजे क्रॉस कर लिया इतना तक, खाना खाने के बाद रेस्ट किया, और अभी ये गाड़ी धोने के लिए निकाला, यहाँ पे गाड़ी धो रहा है। ये लमडिंग से लिया ना हम लोग, तो ये गाड़ी लमडिंग से लिया, लमडिंग से हाफलोंग तक पहुँचाया, उसके बाद हाफलोंग से थाना लम्बरा लेकर आया। तो ये इसका प्लास्टिक अभी तक खोला नहीं है, हस्बैंड बोला खोल देगा, मैंने बोला नहीं रहने दो थोड़ा नया नया लगने के लिए। खोल देगा क्या? थोड़ा रहने दो ना कुछ दिन, कुछ दिन रहने दो। तो हमें नंबर प्लेट कुछ दिन बाद मिल जाएगा, नहीं मिला है अभी तक। अच्छा से धुलाई करो। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओए सुनो ना, तुम्हारा माथा पूरा चमक रहा है। ये टकला पूरा चमक रहा है देखो। टकला तो चमक रहा है। हाँ चमक रहा है पूरा, अच्छा से धोना एकदम। पूरा लाते समय यहाँ पे पूरा कीचड़ वीचड़ लग गया था, तो कल ही धोएगा बोला, मैंने बोला नहीं मुझे सीखने दो थोड़ा, इसलिए हम सुबह को जो थोड़ा सीख कर आए, उसके बाद और भी ज़्यादा इसमें कीचड़ लग गया। तो ये पूरा शैम्पू, वो भी ट्रस्ट मी शैम्पू, मेरी शैम्पू लेकर धो रहा है गाड़ी चकाचक। तो क्या शैम्पू चाहिए था? नॉर्मल क्लिनिक प्लस, वो तो नहीं है, लगाती नहीं हूँ, तो ये भी पूरा चमक चमक कर देगा। तो मैं इनको यही बोल रही थी कि ज़्यादा चमकने से तो इसको चला बाहर जो निकालेगा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इतना मेहनत से धो के फिर से कीचड़ लगाएगा, है ना? वैसे ये कलर ना फ़ोन पे ब्लैक ब्लैक जैसा भी दिखाई दे रहा है, बट ये ब्लैक नहीं है, ये ग्रीन बोल सकते, इसको क्या ग्रीन बोलेगा, ऐसा है यहाँ, हाँ इस तरफ थोड़ा दिखाई दे रहा है, ऐसा ब्लैक नहीं है, ऐसा कलर का है। धोते रहो धोते रहो धोते रहो। तो यहाँ पे हम माँ बेटा दिख रहा है, बेटा भी देख रहा है, उसका पापा गाड़ी के साथ धो रहा है,
ना पापा, पापा को देख रहे हैं और कुछ दिन बाद बेटा भी चलाएगा स्कूटी ना ना पापा। तो गाइस बाहर इतनी तेज धूप भी है, तेज हवा भी है और मैं अभी खाऊंगी इस धूप में गर्मी में वाटरमेलन। तो ये कब लिया था, थर्सडे को लिया था, ये फ्रिज पे रखा, अभी बहुत ही ठंडा है तो मैं इसे अभी काटती हूँ और खाती हूँ। तो ये देखो मैंने काट लिया है, मीठा हुआ कि क्या पता नहीं, खाने से पता चलेगा। अभी हम लोग खाएंगे, इतना ठंडा। उतना मीठा है, तो शाम हो गया, अभी रात के लिए खाना बना। ये सोच रहे कौन सा वाला तोड़ेगा, कौन सा बड़ा है, हाँ कौन सा वाला बड़ा है वो तोड़ा। खोस बोलते है इसका, दूध बोलते, दूध पपाया का दूध, फ्रेश फ्रेश। देखो अभी अभी तोड़ के अभी बनाएंगे रात को सब्जी। तो गाइस आज का ब्लॉग बस यहाँ तक ही है, और तो आज की ब्लॉग से लेती हूँ विदाई और मिलती हूँ अगली ब्लॉग पे। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।